आज अपन चर्चा करेंगे आर्थिक संसाधन इकोनॉमिक रिसोर्सेज मानव की अनेक आवश्यकताओं में से तीन को प्रमुख एवं आधारभूत को शारीरिक अथवा जैविक आवश्यकताओं माना गया है जिनके बिना मानव का जीवन दुष्कर हो जाता है। वायु एवं जल के अतिरिक्त ये तीन महत्वपूर्ण आवश्यकताएं भोजन वस्त्र और आश्रय से संबंधित है। उक्त आवश्यकताओं की पूर्ति प्राकृतिक संसाधनों से होती है, अतः इन्हें प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। इन संसाधनों को सामान्यतः निम्न दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, पहला जैविक संसाधन और दूसरा आता है अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन जिसको अपन ऑर्गेनिक और लिविंग रिसोर्सेज भी कहते हैं के अंतर्गत प्राकृतिक रूप से वृक्षों तथा जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाली वस्तुएं सम्मिलित की जाती है, जैसे वन चरागाह और घास के मैदान, जंगली जीव जंतु, मछलियाँ तथा समुद्र में पाए जाने वाले अन्य पदार्थ। वनों से मानव को अनेक प्रकार की वस्तुएं जैसे फल, सुपारी, जड़ी बूटियाँ, पत्तियाँ, छालें, रेशे, गोंद, दाल, रबर आदि प्राप्त होते हैं, जिन पर आधुनिक युग के उद्योग विकसित हुए। जहाँ प्राकृतिक घास के मैदान उपलब्ध होते हैं वहाँ विशाल व्यापारिक पैमाने पर पशुपालन किया जाता है और दूध, मांस, ऊन के लिए भेड़, बकरियाँ, चौपाए आदि पाले जाते हैं, जिनकी खालें, बाल, दांत और सींग तथा मांस आदि उपयोग में लाया जाता है। झीलों, तालाबों और समुद्र तटीय क्षेत्रों में मछलियाँ पकड़ने का व्यवसाय होता है। दूसरा आता है अजैविक संसाधन, जिनको कहते हैं अपन नॉन लिविंग रिसोर्सेज। इसके अंतर्गत धरातल, चट्टाने, वायु, जल, खनिज, ईंधन, वस्तुएं, भवन निर्माण के पत्र आदि को सम्मिलित किया जाता है। मानव ने सदैव इनका उपयोग वस्तुएं बनाने के लिए या शक्ति की प्राप्ति के लिए किया। वायु न केवल उसके जीवित रहने के लिए अमृत तुल्य है, वरन इससे वायु शक्ति तथा नेत्रजल, जिसको अपन नाइट्रोजन भी कहते हैं, भी प्राप्त किया जाता है। जल का उपयोग पीने या कृषि के अतिरिक्त शक्ति उत्पादन में किया जाता है। अब अपन देखते हैं संसाधन क्या है, वाट आर रिसोर्सेज। ये उल्लेख है कि कोई भी संसाधन तब तक संसाधन नहीं कहा जा सकता जब तक उसमें मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा कठिनाई निवारण की आंशिक या पूर्ण क्षमता विद्यमान नहीं होती। अरस्तु कोई वस्तु, पदार्थ या तत्व उसी समय संसाधन माना जाता है जब उसमें मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति, कार्यविधि अथवा लाभ प्रदान करने की क्षमता हो। अतः मनुष्य की क्षमता और संसाधनों में घनिष्ठ संबंध माना गया है। डॉक्टर जिम्बरमैन के अनुसार संसाधन से अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना अर्थात व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करना है। इस दृष्टि से जल, वायु, सूर्य प्रकाश एवं ताप, मिट्टी, वनभूमि, कोयला, मशीनरी आदि सभी को संसाधनों की संज्ञा दी जा सकती है, क्योंकि उनसे मानव की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है। संसाधन और मनुष्य उसके कार्य से संबंधित है। कोई वस्तु संसाधन तभी कही जा सकती है जब मनुष्य के लिए कोई उसका उपयोग हो। कोयला इस अर्थ में संसाधन नहीं है कि उसका रंग, आकार या रसायन उसमें है, वरन इसीलिए संसाधन है कि उसके द्वारा मानव को ऊर्जा शक्ति मिलती है जिससे उसके उद्योग चलाए जाते हैं। अतः संसाधनों की निम्न दो मुख्य विशेषताएँ कही जा सकती है, ए उसकी मानव के लिए उपयोगिता होती है, बी इसमें भौतिक, सांस्कृतिक और भौतिक क्षमता होती है और इसी क्षमता के कारण इसका कार्यात्मक महत्व होता है। संसाधन और प्रतिरोध, संसाधन और प्रतिरोध दोनों साथ साथ चलते हैं। प्रकृति ने मानव को कृषि उत्पादन के लिए भूमि, शक्ति के लिए कोयला और सिंचाई के लिए वर्षा जल आदि प्रदान किए, किंतु प्रकृति ने मानव के मार्ग में इन संसाधनों का उपयोग करने में बाधाएं भी उपस्थित की है, जैसे भूमि का बंजर होना या अनुपादक होना, आंधी और तूफान का आना, बाढ़ अथवा अनावृष्टि
अनावृष्टि तथा रोगों का प्रकोप होना आदि। ये प्रतिरोध मानव के कार्य में बाधाएं डाल सकते हैं तथा कभी कभी सहयोग भी देते हैं। अतः ये कहा जा सकता है कि वे सब तत्व सेवाएँ या पदार्थ जो किसी न किसी रूप में मानव का सहयोग करके उसका कल्याण करते हैं संसाधन कहे जाते हैं। संसाधन एवं प्रतिरोध दोनों साथ साथ कार्य करते हैं, जैसा कि जिम्बरमैन ने कहा है, संसाधन और प्रतिरोध दोनों साथ साथ चलते हैं। फलस्वरूप मानव को संतोष पहुंचाने का दायित्व संसाधनों और प्रतिरोध दोनों का ही है, अकेले संसाधनों का नहीं। ओके।